हमारा ख्याल था कि यहाँ पे शायद हालात अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, रास्ता बहुत लंबा है, पता भी नहीं चला। हम सारे बहन भाई इकट्ठे आए हुए हैं, जीप क्लब है, हम सारे आपस में बहन भाई हैं। और यहाँ जब हम आए हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये हम हुंजा में से गुजरे हैं, क्या खूबसूरत यहाँ फिजा के रंग हैं, क्या खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर, क्या यहाँ नरम है। मैंने तो हॉर्न की आवाज़ ही नहीं सुनी है। लोग रास्ता देते हैं, लोग आराम से निकल जाते हैं, पोलाइट लोग हैं। पुलिस वाला भी है, वो कहता है जी आपका इस्म शरीफ क्या है, वो इतनी जुबान उनकी नरम है, इतने लोग नरम हैं, हम सबको यहाँ आना चाहिए। मैं तो इतनी खुदा की कुदरत से भी मैं क्या अल्फाज ही नहीं है कि मैं उसको बयान करूँ। पासू के मैंने जो चोटियाँ देखी हैं दूर से, तो मैंने कहा वो देखी कितने जैगेड एजेस हैं, और पता भी नहीं चला इतनी खूबसूरत सड़क बनाई है। हम 5 मिनट में पासू के उन चोटियों के बीच में थे, और क्या खूबसूरत वहाँ पे रंग थे, क्या खूबसूरत वहाँ पे पूरा गांव आबाद था, और वहाँ पे टूरिज्म के हवाले से कैंपिंग साइट्स हैं, होटल्स हैं, और हर एक ने अपने घर को खोला हुआ है, अपने ऑर्चर्ड्स को खोला हुआ है कि आ जाएं यहाँ कैंप करें और इंजॉय करें जो खुदा ने यहाँ खूबसूरती फैलाई हुई है। मैं तो कहती हूँ अभी तो खैर सीज़न एंड हो रहा है, तो सॉरी गाइस बट यू मिस द बोट, वी गॉट इन द लास्ट बिट ऑफ दिस सीज़न। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर मई में यहाँ फिर सीज़न खुलेगा, मई टिल 31 अक्टूबर सीज़न खुला होगा। आप आएँ और आप इंजॉय करें इसको, इट्स अ ब्यूटिफुल।